बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता सलमान खान को लेकर संजय लीला भंसाली इंशाल्लाह नाम की फिल्म बनाना चाह रहे थे और इस फिल्म से जुड़ी कोई बड़ी अपडेट सामने नहीं आ रही थी। लेकिन इसी बीच मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया जा रहा है कि सलमान खान के जन्मदिन यानी 27 दिसंबर के मौके पर इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। बताया जा रहा है इस फिल्म में सलमान खान के अपोजिट एक बड़ा एक्टर हो सकता है। अक्षय कुमार अपनी फिल्म गोल्ड को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। अक्षय की इस फिल्म को 15 अगस्त के मौके पर रिलीज किया जाना है। इस प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार अपना जी जोर लगा रहे हैं। प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया कि अगर मैं चाहूं प्राउडी रोठो 2 बनाकर आराम से 300 करोड़ रुपए कमा सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं बॉलीवुड की फिल्में ऐसी करना चाहता हूं जिसमें लोगों को बीच जागरूकता पैदा हो। अजय देवगन की फिल्म टोटल धमाल की शूटिंग जोरों शोरों से चल रही है। इस फिल्म का निर्देशन इंद्र कुमार कर रहे हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस अजय देवगन, मारुति और फोक स्टार स्टूडियो मिलकर कर रहे हैं। आपको बताते चले इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित नजर आने वाले हैं। ये फिल्म दिसंबर के महीने में बड़ा धमाका करने वाली है। आपको बताते चले ये पहली कॉमेडी फिल्म होगी जो 3D में रिलीज की जाएगी। वहीं पर इस फिल्म के VFX पर काफी ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा जो कि लगभग 12 करोड़ के आसपास बताया जा रहा है। अक्षय ने क्यों मारा ताना रणबीर कपूर को? दरअसल आजकल अपनी फिल्म गोल्ड को प्रमोट करते नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार। इसी प्रमोशन के दौरान वो बेबाक बातें बोल भी रहे हैं। कुछ दिनों पहले गुलशन कुमार की बायोपिक को ना करते हुए उन्होंने कहा था कि बायोपिक असली हीरो पर बननी चाहिए। रील के हीरो और रियल के हीरो में काफी अंतर होता है। अक्षय कुमार के इस जवाब से साफ जाहिर होता है कि वो निशाना रणबीर कपूर की संजू की बायोपिक पर लगा रहे हैं। इसी के साथ ही अक्षय कुमार से जब पूछा गया कि मुगल बायोपिक में उन्हें कौन रिप्लेस कर सकता है तो उनका सीधा सा जवाब था कोई नहीं, उससे बेहतर मुगल बायोपिक कोई नहीं कर सकता। नीरज पाठक के डायरेक्शन में बनी फिल्म भैया जी सुपरहिट का एक नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया जिसमें प्रीति जिंटा फिर बिंदास अंदाज में नजर आ रही है। ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म है और इसी फिल्म के साथ प्रीति जिंटा और सनी देओल का अहम किरदार है। बताया जा रहा है इस फिल्म में सनी देओल का एक डबल रोल होने वाला है जिसकी कहानी उत्तर प्रदेश और बिहार के बैकड्रॉप पर बेस्ड होगी। इस एक्शन बेस्ड कॉमेडी फिल्म को 29 अक्टूबर 2018 को रिलीज किया जाना है।